इस तरह की बात
के रूप में पत्रों का संकलन हमारे सामने आया है, उसके लिए मैं लेखी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेखी साहब पिछले कुछ सालों से ये जो पत्र लेखन की मुहिम है इसको जिस सक्रियता, जिस रचनात्मक सोच और जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चय ही उसके पीछे ये भावना रही कि आज हम जिस साइबर टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं उसमें पत्र लिखने की जो एक शक्तिशाली परंपरा हमारे जीवन का अटूट हिस्सा हुआ करती थी, वो परंपरा लगभग टूट गई, लगभग बंद हो गई। आज हम देखते हैं कि हम पत्र लिखने के बजाय या तो SMS करते हैं या WhatsApp के ऊपर अपने साथी को सूचना देने का प्रयास करते हैं या Facebook और Twitter के माध्यम से अपना संदेश उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो पत्र लिख करके हम जिस तरह से अपने लोगों से जुड़ा करते थे वो चीज अब हमारे जीवन में से लगभग गायब हो गई है। और ये जो मुहिम चली है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लेखी साहब के मन में कहीं कहीं पर उस परंपरा के इस तरह से विलुप्त होते चले जाने की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा ने उनको इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते रहने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि साथियों देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो पत्र लिखे जाते रहे, हम लोगों ने भी पत्र लिखे हैं, आप लोगों ने में से भी कुछ लोगों ने पत्र लिखे होंगे, नई पीढ़ी तो खैर अब पत्र लिखने को लेकर के ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आती है, तो हमने ये महसूस किया कि पत्र लिखना केवल दूसरे तक सूचना पहुंचाने का जरिया नहीं होता। पत्र के माध्यम से हम केवल किसी व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंचाना चाहते हो सिर्फ इतना ही नहीं होता था, बल्कि उसके उस पत्र के माध्यम से हम सूचना देने के साथ साथ अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने गांव द्वार और यहां तक कि कई कई पत्रों के अंदर तो देश और विदेशों की बातें भी शुमार की जाती थी। और उन पत्रों के माध्यम से हम जिसके पास में पत्र भेजते थे उसे उन हालात से जोड़ने की कोशिश किया करते थे। तो वो पत्र एक ऐसी शक्तिशाली विधा के रूप में हमारे पास में थे जो सिर्फ संदेश को वो जीवित बनाए हुए थे, उस परंपरा को उन पत्रों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। पत्र लिखने वाले की उसमें कल्पनाशीलता का हमें पता चलता था, उसमें उसके विजन का पता चलता था, वो जो पत्र लिखने वाला है उसकी उसके रुझान क्या है, उसकी रुचियां क्या है, ये सब उस पत्र के माध्यम से हमारे सामने आया करता था। और हम उस पत्र को पढ़कर के अपने आप को
करते थे कि आप कल्पना कीजिए, लोग एक जमाना था जब किसी के पक्ष आने का इंतजार किया कि पत्र आएगा, इस बात का बाकायदा इंतजार किया जाता था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि डाकिये से उत्सुकता बस ये पूछा जाता था, मेरा पत्र आया है, मेरा पत्र आया है। आप कल्पना कीजिए कि उसके अंदर जो है वो कैसा भाव, कैसी भावना पर गहराई नाम रहती होगी जब डाकिये से जो है पत्र प्राप्त करने का इच्छुक जो व्यक्ति होता था वो जाकर के पूछता था कि मेरा पत्र आया है। और जब डाकिया कहता था कि नहीं आया तो उसके चेहरे के ऊपर एक निराशा, मायूसी, उदासी का भाव तय जाया करता था। इस सारे दृश्य को ध्यान में रखते थे मैंने अपनी नजर में एक शेर लिखा, अब यहां पर किस लिए आया करेंगे डाकिये, बस पिया तो हो चली वीरान का पिया। तो जब जीवन के अंदर से इस तरह गतिविधियां धीरे धीरे करके सिमटती चली जाती है तो स्वाभाविक है कि जीवन का जो विस्तार है वो विस्तार हमें रुका हुआ, वो विस्तार सिकुड़ता हुआ नजर आने लगता है। और उस निरंतर सिकुड़ते हुए जीवन, उसके अपरूप हुए विस्तार और विकास की जो पीड़ा है वो पीड़ा मेरी जी के मन में रही है। और उसी पीड़ा ने उसको प्रेरित किया कि वे इस मुहिम को आगे बढ़ाए। और मुझे ये कहते हुए आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मुहिम आज केवल जनसरोकार मंच और जनसरोकार मंच टॉप और साहित्य मंच और कोडाराई सिंह की मुहिम होकर के नहीं रह गई है, बल्कि इस मुहिम ने अपना दायरा इतना फैला लिया है कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस अभियान की एक पहचान का स्थिति है। और इस अभियान के तहत जिस तरह से पत्र लेखन की जो परंपरा है वो परंपरा फिर से पुनर्जीवित हो रही है वो हम सब के लिए सुखद है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग भी उस परंपरा से, इस परंपरा से जुड़ करके, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस तरह के पत्र इसमें लिखवाए जाते हैं उस तरह के पत्र हम पत्र लिखें, अपने साथियों को पत्र लिखें, अपने अपने माता पिता को पत्र लिखें और अपने परिवार के जो लोग हैं जो हमसे कहीं दूर रहते हैं उनसे हम पत्रों के माध्यम से जुड़े बजाय ये जो मोबाइल का ये जो उपकरण हमारे पास है, इस मोबाइल के उपकरण के वो उसकी अपनी जगह पर उपयोगिता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसकी उपयोगिता नहीं है, उसकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखने के बावजूद भी हम जो है वो पत्र लेखन का काम करें। तो इससे मैं मुझे ये विश्वास है कि जिन लोगों के अंदर लिखने के प्रति थोड़ी सी ललक है निश्चित रूप से उन लोगों की लिखने की जो ललक है वो पूरी होगी। साथ ही साथ लिखने के लिए जिस तरह के सलीके की जरूरत होती है वो सलीका उनमें पैदा होगा। और इसके अलावा वो जब पत्र लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी कल्पनाशीलता, उनकी सोच, उस सबका भी विस्तार होगा। और पत्र लेखन का जो हमारे यहाँ पर एक समृद्ध परंपरा रही है उस समृद्ध परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि हमारे यहाँ पर तो पत्रों के माध्यम से पूरा इतिहास लिख दिया,
पूरा इतिहास पंडित नेहरू ने जो विश्व इतिहास की झलक लिखी है, उनकी उनकी पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक दो खंडों में, और वो पुस्तक लगभग मैं समझता हूं कम से कम 1200 पृष्ठों की पुस्तक है। वो 1200 पृष्ठों की पुस्तक उन्होंने पत्र शैली के अंदर इंदिरा गांधी को संबोधित करते हुए पत्र शैली के अंदर लिखी है वो पूरी की पूरी पुस्तक। तो आप सोच सकते हैं कि पत्रों के अंदर तो ये क्षमता भी होती है कि हम उसके उसके जरिए अपने समय अपने अपने देशकाल को सजीव कर सकते हैं। अपने देशकाल का जो दस्तावेज है वो हम पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के इस मौके के ऊपर हम सब लोग उपस्थित होकर के और किसी के द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान को आगे बढ़ाने के अंदर हम जो सहयोग कर सकते हैं वो करें और इस अभियान को बहुत तरीके से। Thank you.
क्योंकि जैसा कि संसद ने भी पहले बताया कि बच्चे तो संतान माँ से अपनी कुछ दूरी पालते हैं, कह रहे हैं सुन रहते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं पिता को वो पूरी बात कह नहीं पाते। उन्हें पिता के दिल में जो जज्बात उसके लिए उठे हैं वो उनका पालन पोषण करती है। और संसार में अगर कोई रिश्ता सबसे गहरा है माँ के रिश्ते को मैं छोड़ नहीं मानता, लेकिन पिता और संतान का जो रिश्ता है बहुत ही दूर तक किए हुए पिता ठीक एक माने पिता है तो बाहर से कठोर तो दिखेगा लेकिन उसके अंदर का जो हिस्सा है अंदरूनी हिस्सा है वो ठीक एक नारियल का मुलायम होता है, लेकिन दुर्भाग्य होता है कि उसका जो अंदर का जो पार्ट है जो अंदर का हिस्सा है बहुत कम लोग देख पाते हैं समझ पाते हैं और अफसोस प्राप्त करते हैं कि पिता के जीवित रहते शायद संतान स्वस्थ नहीं मिल पाती थी। और उसके बाद उस पक्ष का विचार कुछ लोग करते हैं, इस तरह की मन में एक विचार आया था। गुरु की पाती शिष्य को दूर करने के बाद अचानक एक दिन जब मैं अपनी किताबों की लाइब्रेरी देख रहा था किताबें देख रहा था तो एक पोस्टकार्ड मुझे याद आया और पोस्टकार्ड Thank you.
पहुंचा पा रहे हैं, अगर समझ रहे हैं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अगर बच्चों को यह चीज़
इलाके में बच्चों को कहिए दिया जाए मौका वो भी बड़ों से कैंप के लिए, और कई कई ऐसे बच्चे जो हमें पत्र लिए वो पत्र आप एक सेकेंड में नहीं पढ़ सकते, आपको दोबारा आधा पत्र पढ़ने के लिए अपने आंखों को धोना पड़ेगा। तो मेरा उन पर विश्वास है, तो इतने मारने को पत्रों में इतने भाव पत्रों में कुछ बताओ कि ये कमेंट आते हैं कि मेरे पत्र सो जाता है, मैं भी जानता हूँ पत्र कहाँ होता है कहाँ गुंजाइश है, आप अगर प्रत्येक पत्र को पढ़ा के कहीं भी देखा कि किसी ने भी फॉलो पेश किया है, प्रत्येक पत्र को पढ़ते हुए लगता है कि उसके स्वयं सामने है, उसके दिल से निकले हुए उपराध हैं, उसके दिल के जज्बात हैं। तो ये मुहिम निरंतर आगे बढ़ रही है और हम यही प्रयास करेंगे, यही हमारा प्रयास होगा कि जिस तरह से इस मुहिम में सबका सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, वो निरंतर मिलता रहे। एक अनोखा है हमारे कमेटियाँ बैठे हैं, थोड़ा सा हम जो राजेंद्र जी हैं, उपाध्याय जी हैं, दिनेश जैन साहब हैं, ये जो हमारे पूरे उधर ऐसे सैंपल्स के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हमने अनोखा वहाँ पर जो किया था करीब 2100 बच्चों को लेकर के उन्होंने अपने माँ बाप को अपने लोगों को पत्र लिखे, उसका संकलन भी निकट भविष्य में सामने आने वाला है। और ये शायद हमारा प्रयास होगा कि शुभ को लेने के एक इस तरह का प्रयोग किया जाए और उसको प्रयोग के बाद उनकी पुस्तक सपने जा रही है आ रही है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं ये भी आह्वान करना चाहूँगा, कई बार क्योंकि देश में देशों में अलग अलग जगहों में हमारे पार्टी लीडर जुड़े हुए हैं, फैल चुके हैं, उनके मन में विचार आता है कि प्रतियोगिता करवा लिया हमारा तो क्या होगा। तो मैं उनको पूरा विश्वास करना चाहता हूँ, जो भी उनके पत्र लिखे वो कहीं जाए नहीं है, प्रत्येक पत्र का मान सम्मान है, उनके प्रत्येक पत्र हमारे पास में सुरक्षित हैं, निकट भविष्य में जैसे जैसे व्यवस्था होगी, जैसे जैसे समय उपयोग होगा, ये तमाम जो पत्र हैं चयनित पत्र प्रत्येक प्रतियोगिता के उनको हम इसी तरह की एक पुस्तक के रूप में उसको छपने का प्रयास करेंगे। उनके प्रत्येक लोगों को लिखे गए हैं, उनका सबका एक मान सम्मान है। उन्हें मैं ये कहूँगा कि ये पत्र लिखना साहित्य के विश्वविद्यालय है जो पूर्णतः भावनाओं पर आधारित है, भावनाओं पर आधारित इसलिए है क्योंकि ये जो पत्र आपने उन्होंने चलाई है इसका नाम ही उनका अपना है। तो ना अपनों को शब्द आ जाता है तो वहाँ भावनाएँ प्रबल हो जाती हैं, उन भावनाओं के साथ चाहे वो गुरु ने शिष्य के लिए हो, चाहे शिष्य ने गुरु के लिए हो, चाहे पिता के संतान को लिखे, चाहे माँ ने बेटी को लिखा है, चाहे संतान ने पिता को लिखे हो। इसके अलावा एक नई मुहिम चलाई है, पत्र मित्र को उसका भी कोई बात है, चाहे मित्र को लिखे हो, और जो नई है मुहिम चल रही है वो हमने छोटा सा प्रयास किया है प्रकृति को मानवीय बात करनी है। आज प्रकृति में जो परिवर्तन आए हैं, जो हाहाकार का वातावरण मचा हुआ है प्रकृति में, एक तरह का असंतुलन की स्थिति आ रही है, तो प्रकृति को केंद्र में रख करके प्रकृति मनुष्यों को पत्र लिख रही है, प्रकृति की बात की मानव के नाम। तो ये प्रकृति का मानवीकरण करने का एक छोटा सा अभ्यास किया है। ये मुहिम केवल मेरी और पिता शिवराज की मुहिम नहीं है कि आप और हम सभी हैं, जितना योगदान इसमें हमारा है उससे भी कहीं ज़्यादा योगदान आप सभी छुट्टीजनों का है जो हमेशा आपको संभव दे रहते हैं। ये किसी एक पुस्तक किसी एक नहीं है, तो इस पुस्तक में प्रत्येक शब्द में प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक वाक्य में ये बहुत गंभीर बातें होती है, गंभीर इसमें चिंतन है। और ये निश्चित मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपने अपने जिस कले के टुकड़े को ये पत्र लिखे ये बात की आवश्यक नहीं है कि उससे उसे दे पाएगा, लेकिन जब पुस्तक साहित्य जगत में आती है तो वो कोई व्यक्तिगत नहीं हो जाती है बल्कि एक समाज हो जाती है, एक साहित्य खाति बन जाती है, हिंदुस्तान भर की किसी तरह की भी जाएगी, कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा किसी के अनुसंधान में आपके पुत्र को पढ़ करके अगर उसमें से एक या दो कोई भी बात सीख करके उसका अनुसरण करेगी तो ये मान के चले कि हमारी जो मुहिम है, हमारा जो पुत्र के
आपने बहुत दिल से लिखा है, उनको यथा समय यथा संभव